कंपनी के एक शेयर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी आपके पास निकल कर आएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें से अगर अपन माइनस कर दें वो वैल्यू जो प्रोमोटर्स ने होल्ड कर रखी है तो वो बन जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। और अगर अपन फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से कंपनीज की लिस्ट बनाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो टॉप 30 कंपनीज आएंगी उसको बोला जाता है सेंसेक्स, और जो टॉप 50 कंपनीज आएंगी उसको बोला जाता है निफ्टी। और इन दोनों ही इंडाइसेस में हर कंपनी का जो वेटेज है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का निफ्टी में जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट 15% के आसपास है। इसका मतलब निफ्टी की जो लास्ट कंपनी है 50th कंपनी, अगर उसमें क्रैश आता है इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी भी गिरेगा, बट अगर रिलायंस में बहुत बड़ा क्रैश आता है तो वो निफ्टी को भी ले डूबता है क्योंकि उसका वेटेज निफ्टी में ज्यादा है। एंड ये लिस्ट हर 3-3 महीने में रिवाइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप काफी कम हो गया और अब वो टॉप 30 में नहीं रही है तो सेंसेक्स उसको बाहर निकाल देगा और किसी दूसरी कंपनी को डाल देगा। निफ्टी भी सेम काम करता है। तो सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर हम ये बताते हैं कि जनरली मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बट ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ 30 और 50 कंपनीज ही हैं, बट फिर भी ये जनरल सेंटीमेंट बताने के काम आता है।